कौन सो अभी बस मैं किचन का काम कंप्लीट करके आई हूँ। सुबह सुबह का यही रहता है, खुशू गया है स्कूल और अब तो मैं क्या करूँगी। वैसे मुझे कहीं जाना भी है, उससे पहले मैं एक सूट है ना कट करके छोड़ देती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। मेरी एक नानी सा है, मम्मी के भुआ सा, वो यहीं रहते हैं, तो उन्होंने कोई ऑपरेशन करवाया है तो मुझे भाई सपरेदान की शॉप भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि उनकी शॉप पे भी जाके हूँ। वैसे तो उनके ना भी काम चल रहा है शॉप का, तो उन्होंने भी प्रॉपर वैसे सेट नहीं कर रखी, बट अगर देख लूँगी अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो अभी बस रेडी हो जाती हूँ। थोड़ी देर में रेडी होकर जाऊँगी, उससे पहले मैं एक सूट की कटिंग वगैरह भी कर देती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने स्टिचिंग नहीं की थी तो अब तो करनी पड़ेगी। वैसे क्योंकि दिवाली के दिन भी पास में आ रहे हैं, तो मैं अभी तो शरारत के दिन चल रहे हैं और फिर नवरात्रि में सफाई में रेडी होकर फिर मैं जाती हूँ। एंड क्या कुछ नया कलेक्शन आया है पैसा परिधान की शॉप पे, वो सब के आगे शादियों का सीज़न भी है, दिवाली है, त्यौहार है अभी आगे, तो उनके पास में भी नया कलेक्शन है। बाकी जब वो अपनी शॉप अभी पूरी अच्छे से सेट कर लेंगे तो और भी नया कलेक्शन लेके आएंगे, तो मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूँगी। बट फिलहाल आज जो भी होगा लेटेस्ट जो उनके पास में डिज़ाइन होंगे वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं। पहले मैं नानी साहब के घर जाऊँगी, फिर वहाँ से जाऊँगी मैं भाई साहब टैंक की शॉप पे और देखते हैं क्या कुछ नया कलेक्शन आया हुआ है उनके पास में। तो मैं आ गई थी शॉप पे और यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको कॉटन का जो भी कलेक्शन है वो दिखा रही हूँ, जो भी न्यू स्टॉक आया है। और ये लिमिटेड ही स्टॉक मंगवाते हैं, जो भी ट्रेंडिंग सूट चलते हैं ना वो इनके पास में आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो इनके इंस्टाग्राम पे भी सारी अपडेट है ना चेक कर सकते हो, या फिर आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, वहाँ पे सारे प्राइजेस वगैरह सब कुछ बताते हैं। तो ये वाला सूट आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, इनके प्रिंट भी काफ़ी अच्छे हैं एंड फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक है। तो इस टाइप के ना सूट काफ़ी आए हुए हैं और ये अभी बहुत चल रहे हैं, आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम के सारे पेज पे आपको इस टाइप के जो प्रिंट है ना वो दिख जाएंगे। और कुछ तो नहीं भी दिखने वाले क्योंकि इनके पास में कुछ कलेक्शन हटके ही होता है। ये वाला प्रिंट भी काफ़ी प्यारा लग रहा था और ये वाला आप देख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी काफ़ी प्यारा था, ब्लू कलर के अंदर था ये। देन ये सब भी कॉटन के अंदर है और रेंज जो है इनके 650-650-550 लगभग सबकी रेंज इतनी ही थी। और कुछ सूट इन्होंने सेल के अंदर भी निकाले हुए थे जो कि वो व्हाट्सएप पे अपडेट देते हैं सारी। तो ये वाला आप सूट देख सकते हो, ये आई थिंक 700 कुछ इस टाइप की रेंज थी, तो सबके मुझे कंफर्म नहीं पता है, बट काफ़ी अच्छे अच्छे सूट थे कॉटन के अंदर भी। मैं आपको भी सिंगल सिंगल ही दिखा रही हूँ। तो और ये वाला आप देख सकते हो शिवपुरी के अंदर, ये वाला पैटर्न में भी काफ़ी चला था, बट मेरे पास में ऐसा था तो इसीलिए मैंने ये वाला नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास में 2-3 हो गए थे ये ऐसे। ये बाटी वाले सूट के अंदर भी थे कुछ प्रिंट, तो बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन था। और भी आपको बनारसी में मिल जाएगा ये सॉफ्ट जो पारचा होता है ना, ये वो वाला था मैचिंग के, आपको टोरे के अंदर, शिफॉन के अंदर जो हमराई होती है ना वो वाली ओढ़नी भी मिल जाएगी। और भी अभी आप देख सकते हो, अभी इन्होंने ना शॉप मतलब प्रॉपर से सेट नहीं कर रखी थी क्योंकि शॉप का काम चल रहा है इसीलिए। और ये वाले कुछ जोड़ भी है जो कि अभी न्यू आए हैं, हैंडवर्क के अंदर थे। और अभी ये वाली आपको ड्रेस दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही प्यारी है, मतलब करवा चौथ के अकॉर्डिंग, दिवाली के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन आया हुआ है अभी इनके पास में। ये वाली भी ड्रेस टोरे के अंदर थी आई थिंक, इसमें टोरे का ओढ़ना था, हैवी ड्रेस थी, कलर आपको काफ़ी मिल जाएंगे। तो आप इनको इंस्टाग्राम पे DM करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर आप देख सकते हो, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे मैं नंबर ऐड कर रही हूँ, बाकी आपको इनके ID का लिंक वगैरह सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। ये राई बंदेज के अंदर थी ड्रेस जो कि काफ़ी प्यारी थी, और ये देखिए उसके अंदर कलर आपको 4-5 कलर मिल जाएंगे। तो अच्छे अच्छे ड्रेस थी, हैवी ड्रेस थी, तो दिवाली के अकॉर्डिंग करवा चौथ या फिर जैसे आगे शादी आ रही है तो उसके हिसाब से ना काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन है अभी। तो ये वाली ड्रेस भी काफ़ी प्यारी लग रही थी।
ऑफिस आना है आपको, ठीक है? देखो भी रेड कलर में। एंड ये कुछ ऑल ओवर सूट थे जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे थे। इनके प्रिंट जो थे ना वो बहुत ही अच्छा था, फैब्रिक बहुत अच्छा था, शाइनिंग वाला था। इसमें गोल्डन कलर के ना पेंटिंग की हुई थी जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी, और ऐसा नहीं था कि वॉश करने के बाद में उतर जाए। और ये वाले सूट भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अभी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखाने वाली हूँ क्योंकि फिर वही होता है ना, इनको सेट करने में दिक्कत होगी। और ये वाला सूट आप देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है शिवपुरी के अंदर। दो ही कलर है, ए अब तो ले गया नहीं। ए पूरी मत करो, पूरी सुनाओ मत करो। चमक चीज थी है नी, पांच मीटर कपड़ो भी है, 5 मीटर कपड़ो सोते हैं। आजा। तो बस मैं भाई साहब परिधान की शॉप से आ गई थी, और शॉपिंग क्या करके लेके आई हूँ वो अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं करवा चौथ के लिए कुछ लेके आई हूँ, एक ड्रेस जो कि करवा चौथ पे ही आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं कर रही हूँ फिलहाल रेस्ट, वैसे तो मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। तो मेरे पास है ना स्टिचिंग के काफ़ी सारे सूट पड़े हैं जो मुझे स्टिच करने हैं, बट मैं सोच रही हूँ पहले कुछ वो सुला देती हूँ फिर उसके बाद में स्टिचिंग करूँगी। ये सोता ही तो नहीं है, आ जा जल्दी मार मत देना। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर बाद और देखते हैं अभी आखिर मैं क्या कुछ करूँगी। वैसे मुझे एक और ना नया डिज़ाइन कुछ क्रिएट करना था, तो वो मे भी मैं आपके साथ में कोई नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर शेयर करूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी मैं लग रही हूँ शाम के खाने में, और अभी मेरे ना मामू साहब आने वाले हैं क्योंकि वो आए थे नानी साहब से मिलने के लिए। जो जो मम्मी की जो बुआसा है ना, उनके एक्चुअली ऑपरेशन हुआ है किसी चीज़ का, तो मैं भी उनको सुबह पूछने के लिए गई थी, एंड अभी मामा और भी उनको पूछने के लिए आए हैं। तो अभी रात को यहीं रुकेंगे, मम्मी और भी आएंगे 2-3 दिन बाद में, अभी पूरा कुछ कंफर्म नहीं है। तो बस अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी दाल, और देखने क्या कुछ बनाती हूँ। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी में लग, तो ये मैं पहले बना रही हूँ पनीर की सब्जी। यहाँ पर मैं पहले ग्रेवी रेडी कर रही हूँ, और दाल वैसे मैंने बॉईल कर ली है, इसमें छौंक लगाना है मुझे। तो ये पनीर की सब्जी एकदम रेडी है, देखने में तो काफी यम्मी लग रही है। बाकी देखो इसको कर देते हैं कवर। और ये बनाई है पकौड़ी, दाल की पकौड़ी, ये बन गई है दाल। तो जैसे कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, तो जितने भी हमारे पितृगण हैं, भूमिया सा महाराज है जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह जो उनकी लगा रखी है ना, इस एरिया को पलिंडा बोलते हैं जो राजस्थान से हैं उन लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे हमने इस तरह से सारे जितने भी हमारे पितृगण हैं, भूमिया सा महाराज है, उन सब की फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे है एक साथ में ही। तो वैसे तो हम डेली पूजा करते ही हैं, बट श्राद्ध के अंदर है ना एक अलग से छोटी मटकी भी हमने रखी है
क्योंकि कहा जाता है कि पितर आते हैं रात के टाइम पे, तो रखना चाहिए। और शाम को एक दीपक भी करते हैं बाहर की साइड में। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। सुबह सुबह मैं लग गई हूँ फिर से किचन में, और आज मैं अपनी फेवरेट सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि है खुम्बी। कुछ लोग मशरूम बोलते हैं, बट मशरूम और खुम्बी अलग अलग होती है जहाँ तक मुझे पता है। खुम्बी अलग होती है, मशरूम अलग होती है। और ये बहुत ही महंगी सब्ज़ी है। राजस्थान की सांगरी भी महंगी है और खुम्बी भी महंगी है, तो मेरी तो फेवरेट है और सिर्फ मैं ही खाने वाली हूँ। बाकी के पापा और दादा सबको पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी लेके आई थी। बस यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर देखते हैं क्या कुछ करते हैं। और यहाँ पे हो रहा है दूध गरम, साथ में ही मेरे पार्सल भी आया है। ये इंस्टा की कोलैबोरेशन के लिए आया है, तो उसको अभी ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसकी वीडियो शूट भी करनी है जो कि मैं इंस्टा के लिए करूँगी, तो बाद में करेंगे इसको ओपन। फिर हम थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गए थे शहर साइड में। यहाँ पे बीकानेर, पता है क्या है? जो सिटी साइड का जो एरिया है ना, उसको शहर बोलते हैं। तो हम वहाँ पे गए थे, और ये जस्सू सर गेट है जहाँ के दही बड़े बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे क्राउड आप देख सकते हो, जैसे कि घर में लोग कुछ बनाते ही नहीं है, बट शराब भी चल रहे हैं ना, तो मिठाई वगैरह सब लोग यहीं से लेके जाते हैं मोस्टली, जो सिटी साइड के लोग हैं वो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस इसी के साथ में अब डोसा खाते हैं, रोप एंड करते हैं। और ये हम लालजी होटल आए थे यहाँ पर डोसा ट्राई करने के लिए।